दोस्तों बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर हमारे न्यूज चैनल्स पर ये नारे जोरों शोरों से बुलंद किए गए, जैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाओ और स्वदेशी अपनाओ और चाइना की सभी चीजों का बहिष्कार करो। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक महाशय ने तो चाइनीज फूड का भी बहिष्कार करने की बात कर दी। सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि कोई भी चाइनीज फूड ना खाए। लेकिन हंसी तो तब आती है जब बॉयकॉट चाइनीज के मैसेजेस चाइनीज स्मार्टफोन से ही सर्कुलेट होते हैं। मेड इन चाइना टीवी पर इनके बहिष्कार की खबर देखी जाती है और चाइना में बने लैपटॉप से ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर चीन को बैन करने की पोस्ट करते हैं। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीनी सामान दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ है और दुनिया इन चीनियों पर इतनी निर्भर है। अब हाल ही की बात ले लीजिए, कुछ ही दिनों पहले चाइनीज कंपनी वन प्लस ने भारत में अपना नया फोन 8 प्रो लॉन्च किया था। चंद ही मिनटों में सारे के सारे फोन्स बिक गए। वैसे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन्स अपने एडवांस स्पेसिफिकेशंस और कंपैरेटिवली कम कीमत के एक अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन की वजह से दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। अगर आपने कभी चाइनीज फोन का इस्तेमाल किया होगा तो आप जानते होंगे कि कम कीमत के बावजूद उसमें वो सभी एडवांस फीचर्स दिए होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप एंड फोन्स में ही मिलते हैं। ऐसे में इस सवाल का उठना भी वाजिब है कि आखिर चाइनीज फोन्स की कीमत इतनी कम क्यों होती है। क्या चाइनीज कंपनीज ये सोशल वर्क कर रही हैं जो इतने सस्ते में अपने स्मार्टफोन्स को बेच देती हैं, या इसके पीछे भी कोई राज है। आज हम आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम चाहे कितना भी #boycottchinese की बात कर लें, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट्स में Xiaomi, Oppo, Vivo और OnePlus जैसे कई चाइनीज ब्रांड्स अपना नाम जमाए बैठे हैं। भारत में तो देखते ही देखते इन चाइनीज ब्रांड्स ने 70% मोबाइल मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन दोस्तों ये कोई संयोग नहीं है कि इन चाइनीज मोबाइल्स की इतनी सेल्स हैं। इनफैक्ट इन्हीं चाइनीज स्मार्टफोन्स ने हमारी इस सोच को कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार को गलत साबित कर दिया है। हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बहुत मायने रखती है और चाइनीज फोन्स की कीमत बाकी के फोन्स की तुलना में काफी कम होती है। इसीलिए कोई भी आम इंसान बिना अपनी ज्यादा जेब ढीली किए एक एडवांस स्मार्टफोन का मालिक बन जाता है। कम कीमत के बावजूद इसके स्पेसिफिकेशंस भी किसी हाई एंड मोबाइल फोन से कम नहीं होते। आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं दोस्तों, चाइनीज रियलमी और कोरियन सैमसंग के फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैमसंग का गैलेक्सी S10 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ आपको मिलता है 57,800 रुपए में, और इसी स्पेसिफिकेशन के साथ रियलमी का फ्लैगशिप मोबाइल रियलमी 5 प्रो मार्केट में बिकता है सिर्फ 16,999 रुपए में। माने कि सैमसंग के एक मोबाइल की कीमत में रियलमी के 3 मोबाइल आ जाएंगे और पार्टी देने के लिए फिर भी पैसे बच जाएंगे। लेकिन अब भी हमारे सामने ये सवाल खड़ा का खड़ा है कि आखिर इतने सस्ते, सुंदर और टिकाऊ फोन्स बनाने के पीछे का राज क्या है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है चीप लेबर, यानी कि सस्ती मजदूरी दर। हम सब ये जानते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ लार्ज स्केल पर चीजें बनाई जाती हैं। जाहिर सी बात है कि इन चीजों को बनाने के लिए जरूरत होती है मजदूरों की, और चूंकि चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है इसीलिए वहाँ पर काम में कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है और सस्ते में मजदूर मिलना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट अगर एक आम चाइनीज फैक्ट्री के अंदर देखें तो हमें इन फैक्ट्रीज में आधे से ज्यादा लोग मैनुअल लेबर करते मिलेंगे। वहाँ लोग अपना पेट पालने के लिए कम पैसे में भी घंटों तक काम करने के लिए तैयार रहते हैं, और इसी बात का फायदा चाइनीज कंपनीज उठाती हैं। ज्यादातर चाइनीज कंपनीज की पॉलिसीज एक्सप्लॉइटिव होती हैं और ये कंपनीज अपने मजदूरों से काम लेना जानती हैं। डिमांड हाई होने पर कई जगह 20-20 घंटे भी लगातार काम करवाया जाता है। अब अगर मजदूरी इतनी सस्ती है तो इसका असर प्रोडक्ट के रेट पर जाहिर है पड़ेगा ही। चाइना से इतनी संख्या में इन मोबाइल फोन्स का दुनिया भर में फैलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ यहाँ मिलने वाली इसी चीप लेबर का है। नंबर 2, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ एप्पल, सोनी और सैमसंग जैसी कंपनीज दुनिया भर के अलग अलग लोकेशन से पार्ट्स बनवाकर इंपोर्ट करती हैं और फिर किसी एक कंट्री में अपने फोन्स को फाइनली असेंबल करती हैं, वहीं चाइनीज कंपनीज जैसे कि शाओमी और हुआवई अपने पार्ट्स को चीन में ही लोकली मैन्युफैक्चर करके मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट का भारी खर्चा बच जाता है। इस खर्चे में हुई बचत का फायदा भी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देता है। नंबर 3, चीप मार्केटिंग।
दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज अक्सर मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि जाहिर है कि मार्केटिंग का सीधा असर सेल्स पर पड़ता है। लेकिन चाइनीज फोन ब्रांड्स इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जहां सोनी सैमसंग जैसे ब्रांड्स मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहीं ज्यादातर चाइनीज फोन कंपनीज सस्ते में मार्केटिंग डील्स ढूंढती हैं। ये कंपनी सोशल नेटवर्क्स का बखूबी इस्तेमाल जानती हैं और इसे सबसे सस्ता और इफेक्टिव मार्केटिंग टूल मानती हैं। इस तरीके को अपनाकर उनकी सेल्स भी बढ़ती हैं और एडिशनल मार्केटिंग खर्चों को बचाने से हमें कम कीमत में फोन मिलना आसान हो जाता है। नंबर 4, फोकस ऑन ऑनलाइन सेल्स। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से चाइनीज फोन इतने सस्ते हैं, वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली इनकी सेल्स। दोस्तों चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को ऑनलाइन सेल्स बहुत पसंद है और इसीलिए वो मॉल्स में बड़े बड़े स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स पर पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट या फिर थर्ड पार्टी सेलर से अपने फोन्स ऑनलाइन ही बेचना पसंद करते हैं और एक ऑफिस स्टाफ और बिजली का खर्चा बहुत ही स्मार्टली बचा जाते हैं। इस तरह वो सेल्स पर होने वाले अपने खर्चे को भी कम कर लेते हैं, जिसका इफेक्ट इन फोन्स की कीमत पर पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सैमसंग और एप्पल के इतने हाईटेक स्टोर्स किसके पैसों से बने हैं? जी हाँ, आप ही के। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है और आप इस इन्फॉर्मेशन को पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक। इस फोन्स का इतना सस्ता होने के पीछे पांचवा सबसे बड़ा कारण है चीनी सरकार से इन कंपनीज को मिलने वाली सपोर्ट। नंबर 5, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। दोस्तों किसी भी देश के आर्थिक विकास में सरकारी प्रशासन और उनके द्वारा दी गई सुविधाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस भी देश की सरकार लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स और फैसिलिटीज जैसे टैक्स ब्रेक्स, लो इंपोर्ट ड्यूटी और सस्ती बिजली जैसी सुविधाएं देगी, उतना ही लोकल बिजनेस तरक्की करेगा। बात करें अगर चाइनीज कंपनीज की, तो वहाँ की सरकार लोकल बिजनेस को बहुत ज्यादा सुविधाएं देती है। उदाहरण के लिए चाइनीज कंपनीज के एक्सपोर्ट्स पे जीरो टैरिफ होता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स पर कम से कम टैक्स लगता है और कंपनीज ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। नंबर 6, प्रोडक्ट क्वालिटी। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, आप सभी ने ये फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा। दोस्तों कुछ साल पहले तक जब कोई चाइनीज सामान खरीदता था तो इसी डायलॉग को दिमाग में रखकर खरीदता था, लेकिन आज सीन बदल चुका है। ये बात सच है कि बाकी एडवांस देशों के प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में चाइनीज प्रोडक्ट्स आज भी पीछे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब चाइना सस्ते के साथ साथ ज्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने पर भी ध्यान देता है, इसीलिए ये चाइनीज मोबाइल्स भी सालों तक आपका साथ दे देते हैं। वैसे भी दोस्तों एक मोबाइल को ज्यादातर लोग 2 से 3 साल चलाकर बदल ही देते हैं, ऐसे में ये सस्ते टिकाऊ मोबाइल दूसरे महंगे मोबाइल फोन्स की तुलना में ग्राहकों के लिए ज्यादा आकर्षक सौदा बन जाते हैं। नंबर 7, रिसर्च। दोस्तों किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उस पर काफी रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें काफी पैसे, मेहनत और टाइम खर्च होता है, और कभी कभी जब ये रिसर्च उम्मीद सा रिजल्ट नहीं देती तब कंपनीज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन चाइना की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनकी वजह से वहाँ की कंपनीज को रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ता और उन्हें इसका इकोनॉमिक फायदा भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर चाइना के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट लॉज बहुत ही वीक हैं। इन वीक पॉलिसीज की वजह से कोई भी कंपनी अपने दूसरे राइवल कंपनी के एग्जैक्ट प्रोडक्ट को कॉपी कर उसे मार्केट में लॉन्च कर सकती है। उन्हें किसी भी तरह का कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से किसी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट बताकर बेच सकते हैं। इसीलिए तो जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज में अरबों डॉलर्स खर्च करके डेवलप की जाती है, उसे चाइनीज कंपनीज कॉपी करके अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट बचा लेती हैं। नंबर 8, सेल्स टेक्निक्स। सेल्स की एक टेक्निक जो चाइना बहुत अच्छे से अपनाता है, वो है मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बनाए रखना। ये कंपनीज हम लोगों की साइकोलॉजी अच्छे से समझती हैं और उसी का फायदा उठाती हैं। एक सिंपल से उदाहरण के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि फलानी कंपनी के नए मोबाइल का लिमिटेड ही स्टॉक है जो खत्म होने वाला है, तो कुछ संभावना जरूर है कि ना चाहते हुए भी आपके दिल में उसे खरीदने की इच्छा उठेगी। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इंसानों की इसी साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए स्मार्टफोन्स का प्रचार इस तरह किया जाता है जिससे यूजर्स जल्दी से जल्दी इन फोन्स को खरीदने की कोशिश करें, उसे इन्हें खरीदकर ऐसा लगे जैसे कुछ पा लिया हो। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब Xiaomi Mi 4 की ऑनलाइन सेल्स खोली गई थी तो सिर्फ 37 सेकंड्स में ही इसका सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया था। नंबर 9, बल्क मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि जब भी किसी चीज को बल्क में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें लागत यानी कि कॉस्ट कम आती है,
यही चीज चाइनीज कंपनीज अच्छे तरीके से समझती हैं और अपने फोन्स की बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और जब फोन मशहूर हो जाते हैं और लोगों को उस कंपनी के फोन्स की लत लग जाती है तो धीरे धीरे ये इनके प्राइस बढ़ाने लगती हैं। लेकिन फिर भी ये सैमसंग एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एक बात को जानना भी जरूरी है कि चाइनीज फोन कंपनीज जैसे वीवो, रियलमी, ओप्पो, इन सब का मैन्युफैक्चरर एक ही है। ये तो बस अलग अलग ब्रांड्स बनाकर लोगों के दिमाग के साथ खेलने का काम करती हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम ये सारी चीजें जानते हैं तो हम क्यों हमारे देश में चाइना की तरह सस्ते मोबाइल्स नहीं बना रहे। दोस्तों ये मुमकिन तो है, लेकिन बहुत कुछ बदलना होगा। सबसे पहले तो हमारी सरकार की पॉलिसीज चाइनीज सरकार की पॉलिसीज से पिछड़ी हुई हैं और नई कंपनीज को सपोर्टिव माहौल देने की बजाय उसके रास्ते में कांटे बिछाने का काम करती हैं। माइक्रोमैक्स, आईबॉल और कार्बन जैसी कई कंपनीज इंडिया की मार्केट में आई तो, लेकिन इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई। सरकार की सपोर्ट के बिना धीरे धीरे ये कंपनीज डूबती चली गई और चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज ने इंडियन मार्केट में अपने कदम जमा लिए। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हमारे देश में हम किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बिना कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क के मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते, जो ये चाइनीज खुलेआम करते हैं। और इन्हीं सब चीजों के चलते हमारे देश के फोन्स चाइनीज फोन जितने सस्ते नहीं होते। इसीलिए #boycottchina जितने जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, पास के भविष्य में जमीन पर होता नहीं दिखता। आपके घर की LED लाइट से लेकर आपके इंटरनेट राउटर तक हम चीनी उत्पादों पर ही निर्भर हैं। और इनका बहिष्कार करने से ज्यादा समझदारी इसमें होगी कि हम अपने यहाँ ही पॉलिसीज और गवर्नमेंट सपोर्ट के जरिए एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाएं, जिसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करें और इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान दें। बाकी ये मौसमी बुखार हैं जो आते जाते रहते हैं। उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी चीनी मोबाइल और उत्पादों के इस मकर जाल को समझ सकें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।